हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा स्विगी साइक्लिस्ट रेट कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को डिमांड काफी टाइम से हो रहा था, आप लोग काफी टाइम से कमेंट में पूछ रहे थे भाई स्विगी में अभी रेट कार्ड क्या चल रहा है, पार्ट ऑर्डर कितना मिलता है, टारगेट इंसेंटिव क्या है, वीकली इंसेंटिव क्या है, बेसिकली पार्ट टाइम काम करेंगे तो कितना अर्निंग कर पाएंगे, फुल टाइम काम करेंगे तो कितना अर्निंग कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अबाउट साइक्लिस्ट रेट कार्ड के बारे में। तो दोस्तों यदि आप लोग सोच रहे हैं स्विगी में साइकिल से ज्वाइन करने के बारे में बट आपको पता नहीं रेट कार्ड क्या है, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं पार्ट टाइमर के बारे में बता दूं कि पार्ट टाइम में पर ऑर्डर कितना मिलता है, टारगेट इंसेंटिव बेसिकली क्या है। बट उससे पहले आप लोगों को मैं टाइमिंग बता देता हूं कि स्विगी में पार्ट टाइमर का जो साइक्लिस्ट का जो टाइमिंग है बेसिकली 4 घंटे का शिफ्ट होता है, शाम के 7 से लेकर रात के 11 बजे के बीच में। हो सकता है आपकी सिटी में शाम के 6 से लेकर 10 तक हो या फिर शाम के 6:30 से लेकर 10:30 तक होता है, बेसिकली 4 घंटे का शिफ्ट होता है। बट दोस्तों आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कई सारे डिलीवरी बॉय से बात की जो कि काफी टाइम से स्विगी में एज ए साइक्लिस्ट काम कर रहे हैं, तो सबने कहा कि टाइमिंग जो है वो 4 घंटे की शिफ्ट है, बट यदि आप लोग चाहे तो पूरा दिन भर आप लॉग इन रह सकते हैं, फुल टाइम काम कर सकते हैं और टारगेट कंप्लीट करके जैसे ज्यादा इंसेंटिव भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों बेसिकली इसमें पर ऑर्डर आपको 15 रुपया करके मिलता है, डिस्टेंस पे 5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है और रेस्टोरेंट वेटिंग टाइम 1 रुपया पर मिनट के हिसाब से मिलता है अगले 5 मिनट के बाद से। ओके दोस्तों, अब मैं आप लोगों को डेली का जो टारगेट एंड इंसेंटिव है वो दिखा देता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों यदि आप डेली का 100 रुपया भी अर्निंग कर लेते तो आपको कंपनी 25 रुपया अलग से इंसेंटिव देती है, 175 रुपया का यदि आप लोग काम करते तो आपको 50 रुपया अलग से इंसेंटिव मिलता है और 250 रुपया का यदि आप लोग टारगेट कंप्लीट कर पाते हैं तो कंपनी आपको 75 रुपया अलग से इंसेंटिव देती है। ओके, अब मैं आप लोगों को वीकली टारगेट एंड इंसेंटिव क्या है वो दिखा देता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों इसमें यदि आप पूरे हफ्ते काम करके 600 रुपया तक अर्निंग कर लेते तो कंपनी आपको 200 रुपया अलग से इंसेंटिव देती है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं 600 रुपया तक अर्निंग आराम से हो जाती है, यानी कि दोस्तों वीक का 200 रुपया का इंसेंटिव आपको फिक्स्ड है कि हर वीक आपको 200 रुपया तक का इंसेंटिव इजिली मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों को एक अपडेट के बारे में बता देता हूं कि जो कंपनी ने इस लॉकडाउन के टाइम में लेकर आया अपने रेट कार्ड में, जो कि पहले ये नहीं था, क्योंकि दोस्तों इस लॉकडाउन के टाइम में ऑर्डर काफी गिर चुका है तो इससे डिलीवरी बॉय भी एक मिनिमम अर्निंग भी नहीं कर पा रहे थे। तो कंपनी ने सोचा कि एक इंसेंटिव प्लान लेकर लाया जाए ताकि डिलीवरी बॉय एक अच्छा खासा अर्निंग कर सके, मिनिमम एक स्टैंडर्ड अर्निंग कर सके। तो वो क्या अपडेट है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। बेसिकली कंपनी इसे कहती है मेगा डेली गारंटी पे, इसमें यदि डेली का आप 8 ऑर्डर भी डिलीवर करते तो आपको 325 रुपया तक आप अर्निंग कर सकते हैं। सपोज आप 8 ऑर्डर डिलीवर करके सिर्फ 200 रुपया ही अर्निंग कर सके तो कंपनी उस टाइम आपको पूरा 325 रुपया तक देती है। ओके दोस्तों, उसी तरह यदि आप 12 ऑर्डर डिलीवर करते तो आपको 500 रुपया तक इंसेंटिव मिल जाएगा और 16 ऑर्डर डिलीवर करते तो आपको 700 रुपया तक इजिली इंसेंटिव मिल जाएगा। अब अगर बात करें कि मंथली एस्टिमेटेड कितना अर्निंग कर पाएंगे यदि आप पार्ट टाइम में काम करते हैं, दोस्तों यही अगर इंसेंटिव प्लान रहा जो कि अभी लॉकडाउन के टाइम में कंपनी लेकर आई है, तो इस हिसाब से आप डेली का अगर पहला और टारगेट भी कंप्लीट कर पाते तो 10,000 से लेकर 10,500 तक इजीली अर्निंग हो जाएगा मंथ में, ठीक है। बट दोस्तों मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मिला है कि ये सिर्फ टेम्पररी है, हो सकते फ्यूचर में अगर ऑर्डर का ग्रोथ बढ़े इंक्रीज हो तो ये जो इंसेंटिव प्लान कंपनी ने अलग से लेकर आई है ये हटा दे। अगर ये इंसेंटिव प्लान हटा देता है कंपनी तो बेसिकली आप मंथली 4 से लेकर 6,000 तक अर्निंग कर पाएंगे। मैंने जितने भी सारे डिलीवरी बॉय से बात किया सबने यही कहा कि 4 से लेकर 6,000 तक अर्निंग रहता है। तो बता दूं कि ये एक एस्टिमेटेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि यही अर्निंग कर पाएंगे आप, ये फिक्स्ड है। ये अर्निंग पूरा डिपेंड करता है कि आपके ऑर्डर के ऊपर और ऑर्डर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में ऑर्डर का डिमांड कैसा है, ग्रोथ कैसा है। तो सबसे अच्छा ये होगा कि आप ज्वाइनिंग करने से पहले एक बार अपने एरिया के डिलीवरी बॉय से बात कर ले कि आपके एरिया में ऑर्डर का ग्रोथ कैसा है। अगर आपके एरिया में ऑर्डर का ग्रोथ, ऑर्डर का डिमांड अच्छा है तो आप इससे भी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं मंथ में। ओके दोस्तों, अब मैं आप लोगों को फुल टाइमर का रेट कार्ड बता देता हूँ। दोस्तों फुल टाइमर का रेट कार्ड बताने से पहले आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कई सारे डिलीवरी बॉय से बात किया, सबने कहा कि स्विगी में
साइकिल से आप फुल टाइम ज्वाइन नहीं कर सकते, स्विगी में सिर्फ साइकिल से आप पार्ट टाइम ही ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्विगी में यदि आप फुल टाइम ज्वाइन करना चाहते तो आपको बेसिकली ज्वाइनिंग करते वक्त ई साइकिल चूज करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ई साइकिल मतलब इलेक्ट्रिक साइकिल, इलेक्ट्रिक बाइक। तो जब भी आप स्विगी ज्वाइन करें तो उसमें अगर ज्वाइनिंग करते वक्त आपको ऑप्शन मिलता है ई साइकिल का, तो ई साइकिल आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो ऑप्शन ना मिले आप स्विगी साइकिल में ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में स्विगी कनेक्ट फॉर्म फिलअप करके आप अपने आईडी को ई साइकिल में कन्वर्ट करा सकते हैं, काफी इजी है। ओके दोस्तों, और दोस्तों आपको बता दूं इसका काफी अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि स्विगी का जो ई साइकिल का रेट कार्ड है वो ऑलमोस्ट बाइक के रेट कार्ड के बराबर ही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो इससे आप अर्निंग भी ऑलमोस्ट एक बाइकर की तरह ही कर सकते हैं, साइकिल में डिलीवर करते हैं, बस आपको थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस का ऑर्डर इसमें मिलेगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें बेसिकली रेट कार्ड और टारगेट इंसेंटिव क्या क्या है। दोस्तों इसमें पर ऑर्डर मिनिमम 20 रुपया के मिलता है, जैसे कि एक बाइकर को मिलता है मिनिमम 20 रुपया। और दोस्तों डिस्टेंस पे भी इसमें सेम 5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से आपको डिस्टेंस पे मिलता है। और रेस्टोरेंट वेटिंग टाइम आपको 1 रुपया पर मिनट के हिसाब से मिलता है अगले 5 मिनट बाद से। ठीक है, अब मैं आप लोगों को डेली का टारगेट एंड इंसेंटिव भी दिखा देता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों इसमें यदि आप 325 रुपया का डेली अगर कम्प्लीट कर पाते हैं टारगेट, तो आपको 60 रुपया अलग से इंसेंटिव मिलेगा। 400 रुपये का यदि आप लोग टारगेट कंप्लीट कर पाते तो आपको 100 रुपये अलग से इंसेंटिव मिलेगा। और 750 रुपये का यदि आप टारगेट कंप्लीट कर पाते तो आपको 200 रुपये अलग से इंसेंटिव मिलेगा। ओके दोस्तों, ये आपका डेली टारगेट एंड इंसेंटिव है। अब मैं आप लोगों को वीकली का टारगेट एंड इंसेंटिव है वो दिखा देता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों इसमें यदि आप लोग वीक में पूरे हफ्ते काम करके यदि 2400 रुपये का अर्निंग कर लेते तो आपको कंपनी 425 रुपये अलग से और इंसेंटिव देती है। और दोस्तों बता दूं 2400 रुपये या 25 रुपये तक इजीली अर्निंग हो जाती है। ओके, तो इस हिसाब से वीकली लगभग 2800 रुपये तक आराम से अर्निंग कर लेंगे। ओके, अब मैं आप लोगों को मेगा डेली गारंटी पे भी दिखा देता हूँ, जो कि कंपनी ने इस लॉकडाउन के कारण लेकर आया है। दोस्तों इसमें यदि डेली आप 7 ऑर्डर भी डिलीवर कर पाते तो आपको कंपनी 350 रुपये तक का इंसेंटिव देता है। यदि आप 11 ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो आपको 575 रुपये अलग से इंसेंटिव मिलता है। और यदि आप लोग 15 ऑर्डर डिलीवर कर पाते तो आपको 825 रुपये तक इंसेंटिव मिलता है। ओके दोस्तों, यदि मैं एस्टिमेटेड अर्निंग की बात करूं तो आप 12 से लेकर 13,000 तक अर्निंग कर पाएंगे। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप इजीली अर्निंग हो जाएगा। हाँ, फिक्स अर्निंग है, 12 से लेकर 13,000 तक अर्निंग कर पाएंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अर्निंग पूरा डिपेंड करता है कि आपके एरिया में ऑर्डर का डिमांड कैसा है। यदि आपके एरिया में ऑर्डर का ग्रोथ, ऑर्डर का डिमांड अच्छा है तो आप इससे और भी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। यदि आपके एरिया में ऑर्डर का डिमांड उतना अच्छा नहीं है, काफी खराब है, तो हो सकता है आप 10,000 से भी कम अर्निंग कर सकते हैं पूरा मंथ में। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि यार एक बार ज्वाइन करने से पहले अपने एरिया के जो डिलीवरी बॉय है उनसे आके एक बार बात कर लो कि आपके एरिया में ऑर्डर का ग्रोथ, ऑर्डर का डिमांड कैसा है, तो आपको और भी अच्छा होगा ये समझने में कि आप मंथली एस्टिमेटेड कितना अर्निंग कर पाएंगे। ओके दोस्तों, ये जो रेट कार्ड मैंने आप लोगों को दिखाया ये कोलकाता का रेट कार्ड है। इंडिया के दूसरे सिटीज में रेट कार्ड में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकता है। अगर चेंजेस की बात करें दोस्तों, बेसिकली इसमें आपको टारगेट इंसेंटिव में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकता है, 30-40 रुपया ज्यादा या कम हो सकता है। ओके दोस्तों, ऐसा क्यों होता है ये मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, बट इतना कह सकता हूँ कि आपके सिटी का जो लेबर चार्जेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके वहाँ पे सैलरी कितना बेसिकली होगा। ओके दोस्तों, आपके मन में अगर कोई डाउट है इस रेट कार्ड को लेकर, अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो प्लीज यार कमेंट में जरूर पूछ लेना। और डिटेल्स में यदि कोई चीज जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज यार एक लाइक जरूर कर देना, और इसी तरह के वीडियो हमेशा देखते रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।